हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि पहले क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। यानी जो भी जोड़ा गलत है उसे हमें फाइंड आउट करना है और वही हमारा राइट आंसर होगा। तो पहला है कि जिसका इलाज कठिन हो उसे दुसाध्य कहा जाता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक कहा जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी कहा जाता है, ये गलत है। जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वाला कह रहा है कि जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संगत कार का क्या अर्थ होता है। गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला या गायन करने वाला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गायक के साथ गाने वाले को हम संगतकार कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी किसी बात का जो गूढ़ रहस्य जानने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान या निगूढ़। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, मर्मज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अपठित, अभ्रंश, मौलिक या अपठनीय। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना पढ़े हुए अंश यानी उसके लिए एक शब्द होगा अपठित। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहेंगे। उस शब्द स्टेटमेंट के लिए एक शब्द कौन सा यूज करेंगे, अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यायावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, यानी जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कुली, समृद्ध, धनी या कृपण। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है। जिससे पढ़कर कोई ऊंचा ना हो, क्रोधित व्यक्ति की मनस्थिति, मनाविकारों से ग्रसित व्यक्ति या ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्छिप्त मतलब होता है ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे को दोष देखने वाला क्या कहलाता है। यानी जो इंसान दूसरे के दोष देखता हो सिर्फ उसे हम क्या कहेंगे, आलोचक, छिद्रान्वेषी, ईर्ष्यालु या निंदक। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वह शब्द है, अगोचर, गोचर, स्वानुभूति या अनुभूति। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीतने की इच्छा के लिए शब्द क्या है, जिजीविषा, जिघ्रच्छा, जिगत्सा या जिगीसा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिगीसा। जीतने की इच्छा मतलब जिगीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, दावाग्नि, जठराग्नि, बाढ़वाग्नि या वनाग्नि। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाढ़वाग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, आनंद, अनंत, अखंड या असीम। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी अशुद्ध कौन सा शब्द है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, जी नहीं, क्षण भंगुर होता है, इस वजह से ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। फिर भी हम जो अदर तीसरे स्टेटमेंट उनको पढ़ लेते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निस्पृह का अर्थ क्या है, जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो या जो प्रेरणावान हो। कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो इच्छा रहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, युयुत्सु, लड़ाकू, युदेच्छु या ये सभी। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है, गोधूलि, शाम, रात या छाया। तो संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है वो कहलाता है गोधूलि।
तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतराल के समानार्थी शब्द के क्रमांक पर चिन्ह लगाइए, यानी अंतराल का जो समानार्थी शब्द है उस पर आपको क्लिक करना है कि कौन सा सही है। अंतराल मतलब जिसका पता ना हो, और यहाँ पास क्या है, बीच में गैपिंग हो गई है, यानी कुछ प्रिंट मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ आपको पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा बीच का समय। यहाँ देखिए लिखा हुआ बीच का समय, तो अंतराल का मतलब होता है बीच का समय, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे कि जिसके विषय में ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, ज्ञात, अभिज्ञात, अनजान या अज्ञात। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात। जिसके विषय में कोई जानकारी ही ना हो, कोई ज्ञान ना हो, क्या कहलाएगा, अज्ञात कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे, सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युन्मति या सम्मति। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्युन्मति कहलाएंगे, प्रत्युप्त मति। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है, जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो यहाँ कभी ऑप्शन सही है, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या सर्वज्ञ। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही है, सार्वभौमिक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है अतीन्द्रिय शब्द का क्या आशय है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है, समशीत, समउष्ण, उष्णकटिबंध या समशीतोष्ण। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, समशीतोष्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं जो मापा ना जा सके उसके लिए सही अर्थ क्या होगा, अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या अतुल्य। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है वो क्या कहलाएगा, अमृत्यु, मृत्युंजय, अभयदान या अभय मुद्रा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं जो अधिक बोलता है उसे क्या कहेंगे, मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या वाचाल। यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं अन्य अंत शब्द का सही अर्थ क्या है, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अन्यज शब्द का सही अर्थ होता है जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ हो, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो या अछूत वर्ग में हुआ हो उसे अनिज कहते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा, पूजनीय, पूज्य, पूजनीय या पूजनीय। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पूज्य, जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाती के बल चलने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा, उरग, भुजंग, उरंग या तुरंग। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उरग, जो छाती के बल चलता है उसे उरग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है, निश्चित, सही, सटीक या अमोघ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन, निष्फल ना होने वाला अमोघ कहलाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बहुग शब्द का सही अर्थ क्या है, जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो या जो कम जानता हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो बहुत जानकार हो उसे हम बहुज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, जितेंद्रिय, अजेय, जलचर या जिज्ञासु। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे किन कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है, जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृतघ्न मतलब जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है, निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा
या असंभव। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसे क्या कहेंगे, अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे जीतने की इच्छा है तो एक शब्द बताइए, जिजीविषा, जिगीषा, विजयेच्छा, जयेच्छु। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीतने की इच्छा यानी जिगीषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवताओं के उपवन को क्या कहते हैं, नंदकामन, नंदनकामन, अशोक वाटिका, स्वर्ग या कोई नहीं। तो देवताओं का उपवन नंदनकामन है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है, जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि या दावानल। तो यहाँ जो आपका ये ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगी, अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध बताइए, प्रयुक्त शुद्ध वाक्य बताइए, यानी जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो यानी अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अधर, धरातल, अधीर या धीरता। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहेंगे, नश्वर, लिप्सु, निर्लिप्त या अलगाववादी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे निर्लिप्त कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 42 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिए हैं, एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और ये सभी आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।